नमस्कार किसान भाइयों। भाइयों सोनालिका का DI 750 थर्ड सिकंदर है। भाइयों इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे किसान साथी से। ट्रैक्टर तो नया ही लग रहा है भाइयों। 4 सिलेंडर 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ये देखो भाइयों काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है और मार्केट में भी काफ़ी जलवा बिखेरे हुए हैं। इस ट्रैक्टर का कोई तोड़ नहीं है भाइयों। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है 55 HP कैटेगरी में। और अभी फ़िलहाल ना इसके पीछे 9-9 का कल्टीवेटर लगा है, तो भाइयों इस कल्टीवेटर पे भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखेंगे ट्रैक्टर की कैसी पकड़ बनाता है। भाइयों ट्रैक्टर देख लो आप, काफ़ी शानदार काफ़ी धांसू ट्रैक्टर है 4 सिलेंडर। ये देखो भाइयों बॉस के इनलाइन पंप के साथ है और 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। 210 Nm टॉर्क जो कि 2000 RPM पे 55 HP प्रोड्यूस करता है और इंजन भी काफ़ी धांसू है भाइयों। ये ITL का प्रोडक्ट है भाइयों। टायरों के बारे में बताऊंगा, टायर इसके अपोलो के हैं, पीछे वाले 1428 के और आगे वाले 750-16 के टायर हैं और ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ ट्रैक्टर है। तो भाइयों देरी ना करते हुए किसान साथी से मिलवाता हूँ। अच्छा नमस्कार भैया जी। तो भैया पहले तो अपना नाम पता बता दो थोड़ा सा। मेरा नाम जीतू जी, जंगीराबाद से। तो कब खरीदा है ट्रैक्टर? 1.5 साल पहले। इसको मतलब 11 महीना में। अच्छा 11वें महीने में 2020 में, तो लगभग इसे 1.5 साल हो ली ट्रैक्टर को। 1.5 साल। अच्छा 1.5 साल से जैसे चला रहे हो तो कैसा काम किया ट्रैक्टर ने? बढ़िया काम। और क्या वजह रही जो ट्रैक्टर यही खरीदा आपने, क्योंकि ट्रैक्टर तो बहुत है मार्केट में? ना पहले हम तो महिंद्रा 585 85 पुराना नया? नया। तो वो क्यों बेचा फिर? वो मशीन पर दिक्कत कर रहा है, आलू गाड़ने मशीन पर। अच्छा दिक्कत कर रहा हूँ। उसकी लिफ्ट ऊपर नीचे होती, लिफ्ट सेंसिंग सही नहीं। जी जी जी, तो उस वजह से आपने फिर ये खरीद लिया। अच्छा तो इसने सही साथ दिया आपका? ये तो जहाँ चला तो वहीं चलती रहेगी। अच्छा बढ़िया चले। बढ़िया चले। अच्छा अच्छा कुछ किसान साथी एक शिकायत जरूर करें इस ट्रैक्टर से कि तेल का खर्चा ज़्यादा है इसका। तो काम भी तो बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा फिर भी आपने एवरेज निकाला हो कभी, तो क्या एवरेज है इसका? मतलब कभी अगर एवरेज निकाला हो घंटे में या बीघे में तो क्या एवरेज दे दे? 1 लीटर। 1 लीटर रूटर वगैरह पर? जी जी जी। वैसे बढ़िया काम करे, कभी दम पम तो ना तोड़ा ट्रैक्टर ने भारी लोड पर? ना दम तोड़ना मतलब। अच्छा बढ़िया चले, जैसा खाओगे वैसे ही चलाओ। हाँ ना जैसे ट्रैक्टर लेके खुश हो। हाँ। अच्छा एक चीज़ और बताओ, कोई कमी लगी हो ट्रैक्टर में, मानो कंपनी से आप बोलना चाहो कि ये सुधार जरूर होना चाहिए था और बढ़िया हो जाता ट्रैक्टर, कोई कमी है ऐसी? अगर पहले में थोड़ी सी और चाल बढ़ जा। अच्छा पहले दूसरे के लो में रूटर वीटर पे महिंद्रा की चाल ज्यादा। अच्छा अच्छा चाल दूसरे में कम। अच्छा बस और कोई कमी दिखी हो? बाकी बढ़िया ट्रैक्टर भाइयों, बाकी सब बढ़िया बता रहे हैं, सिर्फ चाल में थोड़ा गियरों में अंतर है। ये 8+2 गियरों में होगा यू? हाँ दो बैक के 8 आगे। जी जी जी। अच्छा जैसा अभी नौके कल्टीवेटर पर चला रहे हो तो कैसी परफॉर्मेंस है इसकी, कैसी पकड़ बनावे? नौके में तो बढ़िया चले। अच्छा बढ़िया चला, नौका ही चलाओ इस पर 11 का चलाए करो? नौका ही चला कर, हमारा रास्ता छोटे ना। अच्छा नौका ही चलाए करो भाई। हंस वालों का 9-9 का कल्टीवेटर है। अभी थोड़ा सा इसका जोर देखेंगे ट्रैक्टर का कैसे जोर लगाता है, तो थोड़ा सा एक फेरा लगा के दिखाओ। आ गया पीछे, पीछे ले जाओ थोड़ी सी, पीछे से ही लगियो। दिखा दो बढ़िया करके थोड़ा सा काट के। अच्छा जैसे और भी देखे होंगे तुमने, आपके आस पड़ोस में होंगे ट्रैक्टर, जैसे स्वराज के भी हैं और जी पावर ट्रैक है, फार्म ट्रैक है, तो उनसे कहीं दबे तो ना ट्रैक्टर? ना ना। अच्छा तो उस टाइम पे कितने रुपए में पड़ गए आपको बिल्कुल घर आके? बिल्कुल घर आके 690। 690 का तो महंगा भी ना पड़ा ज़्यादा? ना। अच्छा भैया देख लो 690 का पड़ा था उस टाइम पर, अभी तो महंगा है ट्रैक्टर, ये 7 लाख से ऊपर आ रहा है। ये देखो
ट्रैक्टर काफ़ी शानदार बता रहे हैं किसान साथी। तो जैसे जब से चला रहे हो ट्रैक्टर ने कोई मेंटेनेंस ज़्यादा लिया हो? अभी तक तो एक रुपया खर्चा ना। कोई खर्चा ना, खाली सर्विस कोई खर्चा। हाँ सर्विस तो करानी पड़े, वैसे बढ़िया चल रहा। कोई कंपनी वालों की तरफ से कोई दिक्कत आई हो सर्विस वर्विस करने में या आप? कोई दिक्कत? अच्छा कोई दिक्कत ना, कंपनी से सही रेस्पॉन्स मिल रहा है भाइयों, कंपनी से भी सही रेस्पॉन्स मिल रहा है इनको। अच्छा पावर स्टीयरिंग बढ़िया काम करा है जी? पावर स्टीयरिंग बढ़िया, बढ़िया। कोई चिक आई हो अभी तक या कोई ऐसे जब से चला रहे हो? आदमी चलाते रहो शाम तक कोई ना। एक चीज़ और बताओ, जैसे इसकी ये लिफ्ट है तो सेंसिंग कैसी करके दिखा रहे? बढ़िया, मतलब कहीं जहाँ सेंसिंग की ज़रूरत है वहाँ सेंसिंग करके चल रहा है? तुम सेट कर दो हाँ वहीं चलती रहेगी, कहीं कभी अप डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, देख लो काफ़ी शानदार बता रहे हैं ट्रैक्टर को किसान साथी। और सोनालिका काफ़ी फेमस ट्रैक्टर है, सोनालिका DI 750 थर्ड सिकंदर। तो भाइयों वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को राम राम।